काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री थी. ही इज समवन टू वर्क विद. ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी फोकस्ड, जो कि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज में बोला है. सो ही इज़ वेरी नाइस एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम दैट ही इज़ कमिंग इन नीशा के कजिन. एंड या काफ़ी अच्छा लगता है कि यू नो ही इज़ डूइंग सच अ नाइस शो एंड आई होप कि वो शो एक डेढ़ साल आई मीन चलता ही रहे जब तक ही कैन डू इट. ही समवन टू वर्क विद. एंड या मेरी सबसे ज़्यादा जमती थी मेरा फेवरेट. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि एक पर्टिकुलर मोमेंट, लेकिन एक चीज़ है जो उसको सबसे ज्यादा इरिटेट करती थी, वो थी कि वो जब भी हम रोमांटिक सीन करते थे ना, जब उसका क्लोज चलता था ना, मैं आई यूज टू स्पॉइल इट. अगर आप मेरा ये पार्ट देखते थे ना, तो ये पार्ट के आगे ना मेरा फेस ऐसा रहता था. एंड मिश्कात कट होने के बाद जो चिल्लाता था ना मुझे, कभी कभी तो गुस्सा हो गया, मेकअप रूम में चला जाता था और फिर मैं गुस्सा हो जाती थी कि हाउ डेयर यू, तूने मुझ पे कैसे गुस्सा किया. सो उसके साथ वो इक्वेशन काफ़ी अच्छा था, बहुत फ्रेंडली इक्वेशन था. एंड राज फर्स्ट मीटिंग हमने जोधपुर में शूट की थी, जब मेरी पायल निकल गई थी तब तो मैं मेरा मिश्कात का इंटरेक्शन नहीं हुआ था, देयर वाज लिटिल ऑकवर्डनेस एंड ऑल दैट. लेकिन बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ओ गॉड, इट वाज लाइक क्रेजी शूटिंग विथ हिम. वो इतना हंसाता है ना, इतना हंसाता है कि आप पागल हो जाओगे. दैट इज़ वन थिंग रियली नाइस, मुझे एंटरटेन होता था सेट पे. एंड या मेरी सबसे ज़्यादा आई गेस मैं मरती थी पता है कि कब मैं राज की फैमिली के साथ शूट करूँगी, बिकॉज मेरी जो फैमिली थी वो काफ़ी संस्कारी है, यू नो, हमारे काफ़ी बोरिंग सीन्स होते थे, लेकिन उनकी फैमिली जशन, माधुरी, राज, जब मैं उनके सीन्स देखती थी बिगनिंग में, मैं उनको बोलती थी कि यार कब मैं तुम लोगों के साथ शूट करूँगी. सो या दैट आई यूज़ टू लव दैट फैमिली. एंड अनूप के साथ मेरा काफ़ी अच्छा इक्वेशन था, जशन, अर्पिता, निकिता. मैं आज ही मिलने वाली हूँ निकिता से, तो निकिता से आई गेस सबसे ज़्यादा क्लोज मैं निकिता से ही थी. एंड देविका, नीलम, वी आर रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो. ये भी काफ़ी कम लोगों को पता है दैट मी एंड नीलम गांधी आर रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो. हम लोग रेगुलरली मिलते हैं, वी गो फॉर लंच एंड डिनर एंड एवरीथिंग. सो या